अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जायका विद रूबी। तो मैं आज बनाऊंगी अपने किचन में रेस्टोरेंट स्टाइल दही वाली ग्रीन चटनी। जब हम रेस्टोरेंट जाते हैं तो हमें स्टार्टिंग में जो ग्रीन चटनी मिलती है प्याज के साथ, वाह क्या मज़ेदार चटनी होती है। फिर उसके साथ चिकन तंदूरी हो या सैंडविच, बस मन होता है कि खाते ही चले जाओ। यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये चटनी बिल्कुल वैसे ही टेस्ट करती है। तो देख लेते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन-किन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है। ये मैंने एक बाउल में हरा धनिया लिया है, जिसे मैंने वॉश करके कट करके रख लिया है। चटनी बनाने के लिए हरा धनिया को कट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो इसके रेशे आते रहते हैं चटनी के बीच बीच में। ये थोड़ा सा पुदीना पत्ता लिया है, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। ये चार हरी मिर्च ली है, मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। ये 1 इंच का अदरक का टुकड़ा है, जिसे मैंने ऐसे कट कर लिया है, ऐसे काटने से इसे पीसने में आसानी होती है। ये 1 टीस्पून नमक है, 1/2 टीस्पून जीरा है। ये 2 टेबल स्पून मैंने थिक वाली दही ली है। थिक वाली दही लेना बहुत ज़रूरी है, इससे ही चटनी का टेस्ट इम्प्रूव होता है। हरी मिर्च को मैं कट कर लूंगी। मैं इन सारी चीज़ों को मिक्सिंग ग्राइंडिंग जार में डाल के इनकी चटनी पीस लूंगी। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने जार में पुदीना और धनिया ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें ये जिंजर स्लाइसेस भी ऐड कर दूंगी। उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी नमक और जीरा। हरी मिर्च भी यहाँ पर ऐड कर दूंगी। ये थोड़ी फीकी हरी मिर्च है, इसलिए मैंने 4 ली है। अगर आपके पास तीखी वाली पतली वाली हरी मिर्च हो तो आप उसे कम भी कर सकते हैं। सबसे लास्ट में मैं इसमें ये दही ऐड कर दूंगी। तो अब इसे ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए, अब मेरी ग्रीन चटनी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये वेज नॉन वेज दोनों के साथ ही सर्व की जाती है। इसे तंदूरी चिकन, चिकन टिक्का, सैंडविच, समोसा, कचौरी किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं। यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये चटनी बिल्कुल वैसे ही टेस्ट करती है। इस ग्रीन चटनी के साथ स्नैक्स का मज़ा 10 गुना बढ़ जाता है। बात पनीर टिक्का की हो या चिकन टिक्का की, दोनों ही इस चटनी के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप इस रेस्टोरेंट स्टाइल ग्रीन चटनी को एक बार अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये ग्रीन चटनी बनाने का सिंपल मेथड पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।